बाबू लांगवाल माइनिंग के कुछ हम वीडियोस भेजे थे, जिसमें पहला वीडियो था एलिमेंट्स ऑफ लांगवाल फेस। उसमें हम बताए थे मेन गेट किसको बोलते हैं, टेल गेट किसको बोलते हैं, एडवांसिंग लांगवाल किसको बोलते हैं, रिट्रेटिंग लांगवाल किसको बोलते हैं, स्टेबल किसको बोलते हैं। सारा चीज को बड़े प्यार से समझाया है, इस सेटिंग से आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है हम लेकिन बताए हैं। अब आप लोग को जो डिप्लोमा डिग्री कर रहे हैं बच्चे, उन लोग को सिंगल यूनिट एंड डबल यूनिट लैंगवाल फेस में कंपैरिजन या शॉर्ट नोट लिखने के लिए आता है, ठीक है। सबसे पहले ये दो फिगर को देख लीजिएगा। अब हमने साइड बाय साइड बना दिया, तो आप लोग भी साइड बाय साइड मत बनाइएगा। आपका इतना बड़ा पेज है ना जितना बड़ा मेरा बोर्ड है, मेरे पास बड़का जगह था तो हम ये अगल बगल बना दिया। आप एक के बाद एक बनाइएगा, ये दूसरे पेज में बनाइएगा, ठीक है। आपको इसका प्रैक्टिस करना होगा। पहले इसको देख लेते, फिर इसको देखते। ये सिंगल यूनिट लांगवाल फेस है, ये डबल यूनिट लांगवाल फेस है। अरे डबल का मतलब क्या हुआ बेटा? दो ना हुआ, दो यूनिट है मतलब दो है, दो लांगवाल फेस है वो डबल यूनिट। देखो एक लांगवाल फेस ये है, एक लांगवाल फेस ये है, दो है तो डबल यूनिट। इसमें गेट और फेस कितना हुआ? एक दो तीन, ये डबल में। तो जो सेंट्रल गेट है, बीच वाला जो गेट रोडवेज है, इस गेट रोडवेज को एज ए मेन गेट हम इस्तेमाल करते हैं, और मेन गेट में ही इंटेक एयरवे रहेगा, मेन गेट में ही ट्रांसपोर्टेशन रहेगा। ये कभी भी ख्याल रखिएगा लंगवाल के केस में, चाहे वो सिंगल यूनिट हो चाहे डबल यूनिट हो। आने वाले टाइम में मान लो कोई इन्वेंशन कर दे थ्री यूनिट, तो भी जो मेन गेट होगा, मेन गेट इज यूज एज अ इंटेक एयरवे, मेन इंटेक एयरवे एंड एज अ ट्रांसपोर्टिंग रोडवे और बेल्ट कन्वेयर रोडवे। या कहीं हम बीसी गेट लिखा होगा, बेल्ट कन्वेयर गेट। बीसी गेट मतलब यहाँ जगह नहीं था ना, इसलिए बीसी कर दिया, बेल्ट कन्वेयर गेट। तो ये जो यहाँ देखिए, एक गेट रोड में ये है, एक गेट रोड ये है, एक एक गेट रोड है। ये देखिए नीचे इधर वाले को भी टेल गेट लिखा, इधर वाले को भी टेल गेट लिखा, टेल गेट रिटर्न रहेगा। इधर से हवा निकलेगा, इसका भी हवा इधर से निकलेगा, यहां से हवा अंदर जाएगा, ठीक है। ये एक लांगवाल फेस। लांगवाल फेस का मतलब, लांग मतलब लंबा, वाल मतलब दीवार जैसा, दीवार जैसा लंबा फेस रहता है। इसमें हम करते क्या, चाहे लांगवाल रिट्रेटिंग हो चाहे लांगवाल एडवांसिंग हो, दो गेट रोडवेज बनाते हैं। कितना? इसेंशियली दो गेट रोडवेज बनाते हैं, ठीक है। और दोनों को जोड़ देते, तो उससे क्या हुआ, एक एक गेट रोड हुआ, एक एक गेट रोड हुआ, इनको जोड़ दिया, तो एक यहाँ जो फेस मिला इसको बोलते हैं लांगवाल फेस। ये लांगवाल एडवांसिंग है जो हम दिखाए, ये लांगवाल एडवांसिंग के दोनों फिगर है। तो ये इधर में फेस बढ़ रहा है कि सर देखो ये रो बता, इधर लांगवाल फेस का डायरेक्शन इधर, ये जो फेस है इसका भी डायरेक्शन इधर है, सेम डायरेक्शन में दोनों फेस है, लांगवाल एडवांसिंग है ये, ठीक है। तो ये जो सेंट्रल गेट है इसमें, इसको गेट बेल्ट इसलिए लगा दिया, इसमें मतलब गेट कन्वेयर रोड भी बोल सकते हैं इसको। तो यहां जो सेंट्रल गेट है यूज एज अ ट्रांसपोर्टेशन रोड, ठीक है, फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कोल। एंड दिस गेट रोडवेज, सेंट्रल गेट रोडवेज सर्व्स बोथ द लांगवाल फेस, दोनों का। देखिए यहां क्या किया, ये वाला है एएफसी, दूर से दिखाते समझ आएगा। ये वाला जो एक लाइन टाइप का दिखाई, क्या है, एएफसी है, आर्मोर्ड फेस कन्वेयर, या सिंपली फेस कन्वेयर बोलिए, ठीक है। यहां पे आपका शियरर रहेगा, शियरर कोयला काटेगा और इस गेट कन्वेयर के, सॉरी ये एएफसी के थ्रू इस बेल्ट कन्वेयर पे आएगा, बेल्ट कन्वेयर के थ्रू बाहर चल जाएगा। यहां पर भी आपका शियरर रहेगा, शियरर काटते काटते यहां जाएगा, इसके ऊपर डालते जाएगा, फिर वापस आएगा, इसके ऊपर डालते आएगा, फिर इसको शिफ्टिंग भी करना पड़ता है। जब दूर हो जाएगा तो शिफ्टिंग भी करना पड़ता है, आगे बढ़ाना होगा, ठीक है। तो ये जो एएफसी, ये वाला भी एएफसी है, आर्मर फेस कन्वेयर, ये वाला भी क्या है, एएफसी आर्मर फेस कन्वेयर या फेस कन्वेयर। और शियरर से हम कोयला काटते हैं, एएफसी पे डालते हैं, एएफसी से कोयला ये बेल्ट कन्वेयर पे चले जाएगा। ये जो सेंट्रल गेट में हमने लगाया गेट बेल्ट लिखा है, या गेट बेल्ट कन्वेयर भी इसको बोलते हैं, बेल्ट कन्वेयर भी बोलते हैं। जैसे यहां लिखा बेल्ट कन्वेयर गेट,
ये जो सेंट्रल गेट है एज अ बेल्ट कन्वेयर गेट हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत है क्या? इतना ही लिखना है इसमें, चार लाइन लिखेगा डबल यूनिट पेस में, इन डबल यूनिट लांगवाल पेस गेट ए सेंट्रल गेट इज यूज एज अ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कोल एंड दिस सेंट्रल गेट सर्व्स फॉर बोथ द लांगवाल पेस, दोनों लांगवाल पेस दो है तो दो डबल यूनिट हो गया, डबल यूनिट लांगवाल पेस हो गया, ठीक है। ये स्टेप कट किया, ये हो गया। अब सिंगल में आइए, अब हम यहां पे बैरियर नहीं दिखाए, इधर भी बैरियर रहेगा, इधर बैरियर रहेगा, इधर बैरियर रहेगा, तीनों तरफ बैरियर रहेगा, इधर तो आगे फेस बढ़ रहा है। बैरियर क्या होता है माइनिंग में, चाहे बोर्डेड पिलर हो चाहे लांगवाल हो, सॉलिड कोल छोड़ देते हैं उसको बैरियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैरियर। बैरियर का मोटाई कितना होगा? उस आपका बोर्ड एंड पिलर में नियम है कि जिस गहराई पे आप पैनल में जो पिलर का चौड़ाई रहेगा उतना पिलर की जो चौड़ाई रहेगा वो उतना ही चौड़ाई का आपको सॉलिड कोल छोड़ देना है, उतना थिकनेस ऑफ बैरियर रहेगा। और लांगवाल के केस में जनरली 30 मीटर छोड़ते हैं, कितना छोड़ते हैं 30 मीटर, बहुत ज्यादा गहराई में है तो इसको बढ़ा देंगे, ठीक है। तो ये पैनल बैरियर बोलते, ठीक है, ये भी पैनल बैरियर, यहां पर भी पैनल बैरियर रखना होगा। अब यहां पर देखिए, दो एक ये पैनल था एक ये पैनल है, लेकिन दोनों के बीच हमने सेंट्रल गेट बना दिया तो यहां बैरियर छोड़ने की हमको जरूरत ही पड़ी, तो यहां जो बैरियर में लॉस हुआ वो बचा कि नहीं बचा कोल का, तो इसका फायदा है कि नहीं? कोल लॉस इज रिड्यूस्ड, एक। दूसरा, एक ये सिंगल लांगवाल यूनिट में देखिए, सिंगल यूनिट लांगवाल पेस में देखिए, एक मेन गेट है या जिसको बेल्ट कन्वेयर गेट बोल रहे हैं, इससे ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है आप कोल का, कर रहे हैं एक फेस से कर रहे हैं, और यहां एक के गेट कन्वेयर है लेकिन यहां से दो फेस का कर रहे हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट या जिसको हॉलेज कॉस्ट बोलते हैं वो क्या हो गया? कम हो गया। तो ये इसके एडवांटेज हो गया, कितने एडवांटेज बताए? दो, एक तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट या हॉलेज कॉस्ट इसमें कम आता है क्योंकि दो फेस के लिए एक ही रास्ता से कोयला निकल जा रहा है, और ये एक पैनल के लिए एक एक लांगवाल में एक पैनल बोलिए चाहे एक फेस बोलिए लांगवाल पे एक के बात होता है। ये हो गया, तो दो फायदा हो गया। तो यहां यदि हम दो पैनल बनाते तो यहां जैसे यहां पैनल बैरियर छोड़ा वैसे यहां दोनों के बीच पैनल बैरियर छोड़ा पड़ता तो उतना 30 मीटर का चौड़ाई का कोयला आपका लॉस होता कि नहीं? वो भी लॉस बच गया। लेकिन घाटा क्या होगा? देखिए, एक डिसएडवांटेज क्या, ये एक रास्ता से जो मेन गेट है, यही ना बोला कि मेन गेट जो है सेंट्रल गेट मेन गेट रहेगा डबल यूनिट में, तो ये जो डबल इंटेक एयर इसी में, अब इंटेक एयर से हवा इधर भी बटेगा, इंटेक एयर इधर भी बटेगा, तो एक रास्ता से हवा जा रहा और दो पैनल के लिए जा रहा, दो लांगवाल पैनल के लिए जा रहा, दो लांगवाल फेस के लिए जा रहा, तो क्या होगा? पुअर वेंटिलेशन रहेगा, बहुत अच्छा वेंटिलेशन नहीं रहेगा, ठीक है। तो एक ये घाटा हुआ। दूसरी बात, इधर भी आपका पैनल है लांगवाल एडवांसिंग में, हम जनरली ये जो गोप दिखाया है इसको हम स्टोविंग करते चलते हैं, इसको भी स्टोविंग करेंगे, फिर भी हमने डिस्टर्ब किया तो इधर भी वर्क एरिया है, इधर भी वर्क एरिया है, उसके बीचों बीच में हमारा गेट रोडवेज है, तो ये रिपेयर जो लगेगा इसमें, इट नीड्स हेवी रिपेयर, इसकी मरम्मत बहुत ज्यादा लगेगी और मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ गेट रोडवे इज हाईली कॉस्टली, ठीक है। ये इसका कॉस्ट बहुत ज्यादा आएगा, मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज्यादा आएगा सेंट्रल गेट का, ये इसका घाटा हो गया। और एक क्या बताया, एक तो इसका सेंट्रल गेटवे गेट का मेंटेनेंस कॉस्ट ज्यादा आएगा, दूसरा क्या बताया, दूसरा घाटा क्या बताया कि वेंटिलेशन पुअर रहेगा, स्लगिस रहेगा, सुस्त रहेगा, ठीक। यहां तक ये डबल यूनिट लैंगवाल पे इतना दो तीन बात लिख दीजिएगा, दो चार बात। सबसे पहले दो फिगर बना दीजिएगा एक के बाद एक, नीचे जैसा लिखा ना फिगर सिंगल यूनिट लैंगवाल पेस, फिगर डबल यूनिट लैंगवाल पेस, इतना बना दीजिएगा ना, तो आपका छह नंबर का यदि क्वेश्चन है तो तीन साढ़े तीन नंबर तो यहीं से मिल गया, चार नंबर मिल गया, समझ, दो नंबर के लिए लिखना आपको। अब ये सिंगल में देखिए, सिंगल यूनिट लांगवाल फेस में क्या होगा, जो मेन गेट है या जो बेल्ट कन्वेयर गेट है वो एक ही लांगवाल फेस के ट्रांसपोर्टेशन के लिए काम आता है। इसका फायदा क्या, एडवांटेज क्या, वेंटिलेशन बहुत बढ़िया रहेगा, गुड वेंटिलेशन रहेगा, ठीक है। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है, एज कंपेयर टू डबल यूनिट लांगवाल फेस
ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज हाई एज कंपेयर टू डबल यूनिट लांगमाल फेस, इतना ही इसमें लिखना है। कोई बहुत बड़ा कुछ बात है क्या बाबू? नहीं है। इसलिए मेरा एलिमेंट्स ऑफ लांगमाल फेस को देख लीजिएगा, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा। जो भी डिग्री डिप्लोमा के बच्चे लोग को इसके बारे में आता है उनको बहुत बढ़िया से समझ आ जाएगा। इस फिगर का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आपको आधा 20 सेकंड का समय दे रहे हैं। अब वीडियो देखते देखते इसका क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये फिगर बनाने की कोशिश कीजिए। फिगर बड़ा उल्टा सीधा बनाता है बच्चा लोग, ठीक है? फिगर बढ़िया से बनाइएगा, यहाँ जो जो चीज दिखाया है ये दिखा दीजिएगा तो आपको बहुत बढ़िया हो जाएगा। ऐसा भी है जो स्टूडेंट आपको ये सब चीज जानकारी होना चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के अलावा भी, लेकिन ये डिप्लोमा डिग्री में पूछा जाता है। ठीक, थैंक यू।